सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सब का अपने यूट्यूब इस चैनल डैलच लर्निंग पॉइंट के उपर। अज ये साडा मकैनिक्स का सैकेंड लैक्चर है, पर इस लैक्चर दे विच असी जो काम करना है वह फस्ट लैक्चर नू ही कॉन्टीन्यू करना है। पर जिन्होंने फस्ट लैक्चर नहीं देखा, पहली चीज़ उन्होंने लिए कि फस्ट लैक्चर जिहड़ा इहदा देखन, क्योंकि उसके कॉन्सैप्ट उसके फॉर्मूलाज वो सारी थ्योरी जिहड़ी इत्थे यूज़ होनी है, बिकॉज अज असी क्वेश्चन जिहड़े ने प्रैक्टिसली करने ने एंड थ्योरी थोड़ी जी करनी है। सो फस्ट ऑफ ऑल जिहड़े क्वेश्चन अज आप करने ने वो सारे ही क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ने। और दूसरा असी एक कॉन्सैप्ट करांगे, उस तो बाद असी क्वेश्चंस करांगे। फिर हिदायत उही है कि तुसी जरूर जिहड़े फस्ट लैक्चर नू जाके देखो। अगर तुसी नहीं देखिया है, मैं फिर भी इस दे विच थोड़ा जा कॉन्सैप्ट जिहड़ा उस दा दस दिंदा, ताकि तुहानू कोई परेशानी जिहड़ी है वह ना आवे समझण दे विच, या तुसी भी पिछला लैक्चर अगर देखिया होया है तां वी तुहानू कोई दिक्कत परेशानी जिहड़ी है वह ना आवे। सो असी पिछले लैक्चर दे विच दो चीज़ां कीतियां सी कि रिजल्टेंट अगर असी कढ़ना होवे तां आर स्केयर हुंदा जी पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस टू पी क्यू कोस अल्फा, वेयर अल्फा जो एंगल सीगा, जो अल्फा एंगल सी वो फोर्सिस दे विच बनता सी, ठीक है जी। और जो असी थिट्टा एंगल की गल करते, जो एंगल थिट्टा हुंदा सी, ए वाला एंगल हुंदा सी रिजल्टेंट का विद होरिजोंटल फोर्स, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ असी उस दिन की कि थिट्टा एंगल जो सी रिजल्टेंट फोर्स होरिजोंटल रिजल्टेंट फोर्स जी होरिजोंटल फोर्स के नाल बनाउंदी सी, और अल्फा एंगल हुंदा सी फोर्सेस दे विच दा एंगल, और थिट्टा और अल्फा दे विच रिलेशन किवें हुंदा सी कि टैन थिट्टा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपोन पी प्लस क्यू कोस अल्फा। सो इस तरीके नाल इहनां दा एक रिलेशन डिफाइन सी। सो ये चीज़ां जिहड़ियां जरूरी ने अज दे लैक्चर दे लई। अगर तुहानूं ये इत्थों नहीं समझ आ रहा, तुसीं जरूर जिहड़ा है वह लैक्चर वन नूं शिफ्ट जरूर करो, और जिन्हां नूं ये चीज़ां समझ आईयां होईयां ने वो इत्थों दी लैक्चर अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। सो असी देखते हैं पहली चीज़ कि नोट है जी, फस्ट चीज़ कि वैन दे सैड, जदों तुहानूं कहणगे कि दो फोर्सिज़ ने पी एंड क्यू और उन्हां दा रिजल्टेंट पी आ रहा है, बड़े ध्यान नाल चीज़ नूं समझो कि जदों तुहानूं ये कहणगे कि दो फोर्सिज़ ने पी एंड क्यू और उन्हां दा रिजल्टेंट वो कहण कि पी ही है। सो ट्राई टू टेक पी एंड क्यू लाइक दिस, हमेशा पी नूं असी जिहड़ा इत्थे लिखदे हां पी ते क्यू इदां, तां जदों इस तरीके नाल कहण कि दो फोर्सेस पी एंड क्यू सी और रिजल्टेंट पी ही आ रहा है, तो पी नूं ट्राई करो कि वर्टिकल फोर्स लैण दी। तुसीं इस नूं अगर होरिजोंटल लाओगे सो तुसीं देखोगे बहुत सारियां प्रॉब्लम्स आउणगियां उस टाइप दे क्वेश्चंस। असीं जदों क्वेश्चंस करांगे सो उन्हां क्वेश्चंस से तुसीं अप्लाई करके देखोगे सो उत्थे दिक्कत आएगी। सो इस चीज़ नूं नोट लगा लो, या एक तरह का यह लगा लो कि मेरा तजर्बा लगा लो, मेरा एक्सपीरियंस लगा लो कि मैं जिस तों तुहानूं कह रहा कि पी नूं वर्टिकल फोर्स ही लाओगे तो आंसर 92-99% एक्सपैक्टेड है कि सही आएगा। अगर तुसी उस तरीके नाल चलदे तुहाडी कैलकुलेशन वध सकदी है, देर आर सो मैनी रीजनस, ठीक है जी। उस तो बाद है कि उस क्वेश्चन दे विच अगर बाई चांस कितें गल ये भी हो रही होवे कि इफ दे आस्क अबाउट एंगल विच रिजल्टेंट मेक्स, अगर वो गल थिट्टा दी कर रहे हो सो होर भी इंपोर्टेंट हो जाता कि इसे ही तरीके नाल तुसी लैके चलना होएगा, वो उस तो भी इंपोर्टेंट हो जाता। सो असी अपना फस्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि दो फोर्सेस ने पी एंड क्यू, ये साडा फस्ट क्वेश्चन है जी अज का। बड़े ध्यान नाल स्टेटमेंट्स नूं तुसी पढ़ना है कि टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एट सच एन एंगल दैट द रिजल्टेंट आर, जिहड़ा रिजल्टेंट आर है मेक्स एन एंगल, जिहड़ा रिजल्टेंट आर है और कित्थे गया जी, हाँ रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू पी, कि रिजल्टेंट जिहड़ा है वो इक्वल टू पी ही हैगा, एंड इफ पी इज डबल द न्यू रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल। मतलब कहिंदे ने कि अगर पी डबल हो गया फिर तुसी जो रिजल्टेंट कढ़ोगे उहदा एंगल किन्ना बन रहा सीगा, ठीक है जी। मतलब मैं तुहानूं पहला क्वेश्चन समझाउणा कि मान लो पहला असी एक फोर्स लिती पी, दैन असी ए वाली फोर्स सी साडी क्यू, एंड जो रिजल्टेंट बनना है रिजल्टेंट इज ऑलसो पी, ठीक है जी। मतलब रिजल्टेंट फोर्स भी यही आ जाएगी, क्लियर है जी। हुण की कह रहा है कि मैं अपनी पी फोर्स नू चेंज करता, उन्हों मैं करता टू पी, इफ पी इज डबल दैन द न्यू रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल, तो क्यू तो एज इट इज़ पिया है अपना,
तो कहते जो न्यू रिजल्टेंट आएगा, हुण रिजल्टेंट सानू नहीं पता कितने आएगा, मान लो आ रिजल्टेंट आ रहा है, सो उन्हें रिजल्टेंट किन्ना एंगल बना रहा है, उसने कहना किन्ने विद क्यूब लिखा है, उस क्यूब के नाल किन्ना एंगल बना रहा है, सो असी ए वाली जी चीज़ है वो फाइंड करके दिखानी है उसनों। क्लीयर है जी? मतलब इस चीज़ तो बाद ए वाली किन्नी आ रही है, सो असी उसनों ए वाली चीज़ फाइंड करके दिखानी है। उम्मीद है तुहानू ये चीज़ समझ लगी होएगी। ठीक है जी, आओ आप इस दे सोल्यूशन की गल करते हैं। सब तो पहला सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन साडा जो है, सो फर्स्ट क्वेश्चन दे विच जो साडे लई क्वेरी है, वो पहली चीज़ ये है जी कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला होंगे साढ़े को आर स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस टू पी क्यू इज कोस अल्फा, बट इतने रिजल्टेंट पी ही है और पी फोर्स भी पी है, क्यू फोर्स आ गई जी टू पी क्यू कोस अल्फा। क्लियर है जी? पी स्केयर में पी स्केयर कट हो गया, सो बचा कि क्यू स्केयर प्लस टू पी क्यू कोस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। क्यों भी असं बाहर कट दिए, सो आ जाएगा क्यू प्लस टू पी कोस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, और अगर असं कोस अल्फा की वैल्यू भी तो क्डनी चाहिए, सो वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू अपॉन टू पी। क्लीयर है जी? ठीक है जी, सो यही साढ़े लिए इंपोर्टेंट चीज़ कि ये चीज़ कह लो या अगली चीज़ कह लो। क्लीयर है जी? फर्स्ट चीज़ तो क्लीयर होनी चाहिए है। नैक्सट वो ये पूछ रहे कि एंगल की बनेगा, रिजल्टेंट किन्ना एंगल बना रहा है, यानी कि वह पूछना चाह रहा है थिट्टा। सो इस फॉर्मूले को जेकर असं लगावे तो सू थिट्टा नहीं मिलेगा, सो थिट्टा कितों मिलेगा? टैन थिट्टा वाले फॉर्मूला तो, जो कि हुंदा सी क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा। मैं पहला भी ये चीज़ तुम्हें कही है कि मैं फॉर्मूला इस दे अकॉर्डिंग आवला फॉर्मूला इस अकॉर्डिंग असं याद करते हैं, बट हुण सानू ये चेता रखना पएगा कि साडी मतलब असं इस तरीके फॉर्मूला लिखते हैं इतने पी और इतने क्यू, पर हुण जो साडा क्वेश्चन है वो है इतने पी है और इतने क्यू है, सो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, इतने फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा पी साइन अल्फा क्यू प्लस पी कोस अल्फा। सो हम फॉर्मूला ए बन जाएगा, बट उन्हें नाल ही सानू कहा सी कि पी इज़ डबल, सो असी की किता इतने पी नू डबल करता, साडा पी डबल हो गया और साडी क्यू फोर्स आ रही। ठीक है जी, और सानू रिजल्टेंट नहीं पता। ठीक है जी, बट रिजल्टेंट का एंगल जो है थिट्टा ही है, सो साडा फॉर्मूला की बनया टैन थिट्टा इज इक्वल टू 2p साइन अल्फा अपोन क्यू प्लस 2p कोस अल्फा। सो इस चीज़ की वैल्यू तो असं पहला ही जीरो कट चुके हैं उपर, इस चीज़ की वैल्यू जीरो है साड़ी, असं पहले ही जीरो कट चुके हैं, सो इसका मतलब की होया 2p साइन अल्फा अपोन जीरो, यानी कि यह चीज़ होगी इनफिनिटी, एंड सानू पता है कि टैन थिट्टा इनफिनिटी कितने होंगे, थिट्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री से, यानी कि जो रिजल्टेंट सीगा हुन भी जो एंगल बना रहा है वो एक्चुअली क्यू फोर्स के नाल 90 डिग्री के एंगल पर है रिजल्टेंट, और जो टू पी फोर्स से वो शायद हो सकता है इतने होगी हो। इज इट क्लीयर? मैं फिर रिपीट कर देना कि क्वेश्चन जो है वो इतों स्टार्ट होया सी कि रिजल्ट आ पी और क्यू फोर्स का रिजल्टेंट उसने जो है वो पी ही दिता सी, सो फस्ट ऑफ ऑल असी वो चीज़ लगाई इतने तक असी पहुँचे और क्यू कोस अल्फा की वैल्यू कढ ली, एक्चुअल किसी कोस अल्फा की वैल्यू की हजे इतने लोड़ नहीं पई, दैन उसने सानू थिट्टा कढ़न नूं कहा सी और थिट्टा असी इस फॉर्मूले तो यूज़ करते हैं, सो असी अपनी फोर्सेस दे अकॉर्डिंग फॉर्मूला ए बनता सी, सो असी वो लिखिया एंड आफ्टर दैट असी उसनू पुट करता, एंड पुट करन तो बाद वो जो इनफिनिटी बनया, सो वी से दैट थिट्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री। उम्मीद है तुहानू समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया सो तुसी वीडियो नू रिवाइंड भी कर सकते हो, ये बड़ी अच्छी चीज़ होंदी है ऑनलाइन देखण दी या वीडियो लैक्चर्स देखण दी कि तुसी रिवाइंड कर सकते हो अपनी वीडियोज़ नू। उम्मीद है तुहानू समझ आया होगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू ते जाने जी असी, क्वेश्चन नंबर टू उन्हें कह कि इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल असं पहला कर चुके हैं उसी एग्जाम्पल दे विच मैगनीट्यूड दसो न्यू रिजल्टेंट, जो न्यू रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैगनीट्यूड की होएगा। क्लीयर है जी क्वेश्चन कि न्यू रिजल्टेंट का मैगनीट्यूड की होएगा? सो फस्ट चीज़ असी देखते हैं कि पहली चीज़ जो असी लिखी सी आर स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस टू पी क्यू कोस अल्फा, जिथों असी कोस अल्फा की वैल्यू जो है वह की कड़ी सी माइनस क्यू अपॉन टू पी, ये असी वैल्यू कड़ी सी जी। मैं दिखा दिना फिर दोबारा तुहानू क्वेश्चन कि असी वैल्यू कड़ी सी जी कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन टू पी, सेम चीज़ इतने लगावे क्योंकि ये चीज़ असी यूज़ करनी है, सो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लीयर है जी? या मैं होर कहां इतने तो असं यह भी लिख सकते हैं कि क्यू प्लस टू पी कोस अल्फा इज इक्वल टू जीरो।
और ये चीज़ सीगी साढ़े को। फिर उसने क्या सीखा साढ़े क्वेश्चन दे विच कि अगर पी डबल हो जाता तो नवा रिजल्टेंट किन्ना एंगल बनाएगा। सो अगर पी डबल हो जाता, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर पी डबल हो जाता तो रिजल्टेंट तो चेंज होएगा ना, रिजल्टेंट मान लो आर डैश हो गया तो आर डैश द स्क्वेयर, पी डबल हो गया सो टू पी द स्क्वेयर, ठीक है जी, प्लस क्यू द स्क्वेयर। हालांकि इतने पी होंगे और इतने क्यू होंगे जो असं इस तरीके की फोर्सिस लगाने हैं, बट यदा कोई इंपैक्ट नहीं पैंता, बट तुम पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर अंडर एडिशन बैठो तो जो मर्जी चेंज कर सकते हो इंटरचेंज। सो पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू एंड हेयर इज कोस अल्फा, क्लियर है जी। सो हूँ की होया आर डैश द स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस फोर पी क्यू कोस अल्फा, ठीक है जी। कोस अल्फा की वैल्यू साढ़े को है माइनस क्यू अपॉन टू पी, सो वह हो जाएगा जी माइनस क्यू अपॉन टू पी प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस फोर पी स्क्वेयर, क्लियर है जी। उस तो बाद असी जो चीज़ करते हैं फोर पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, ये जो असी कट्टांगे इस दे नाल सो ये आ जाएगा जी माइनस द टू क्यू स्क्वेयर एंड फोर पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू आर डैश स्क्वेयर। सो आर डैश की आ गया जी फोर पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। सो दिस इज रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, क्लियर है जी। सो ये रिक्वायर्ड है जी। सो ऑप्शन नंबर बी साडा जो आंसर हो जाएगा, उम्मीद है थोड़ा समझ लग्या होएगा। सो एक्चुअली इन्हों कॉन्सैप्ट्स समझना है, देर इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस, ठीक है जी, दीज आर द इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस फॉर द मास्टर कैडर, क्लियर है जी। उम्मीद है थोड़ा समझ आया होगा, क्वेश्चन जोड़े ने बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन ने। और हम असी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, साडा स्टेटमेंट्स बड़े ध्यान पढ़ना है जी। द मैगनीच्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस, कि दो रिजल्टेंट जो है टू कॉन्करेंट फोर्सेस का, टू कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है और वो फोर्सेस का मैगनीच्यूड की है पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू। हम इतने फोर्स जो है वो पी और क्यू नहीं है, फोर्सेस ने पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, क्लियर है जी। और उन्होंने रिजल्टेंट की है अंडर रूट पी स्केयर प्लस थ्री क्यू स्केयर, ठीक है जी। और कहते इफ एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, अगर एंगल जो है उन्होंने फोर्सेस दे विच वो हाफ हो जाए तो नवा रिजल्टेंट जो बनेगा उसका मैग्नीट्यूड दसो की होएगा। सो नीचे ऑप्शंस ने, सो पहला काम जो असी करना वो यही है कि साढ़े को फार्मूला होंगे पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस टू पी क्यू कोस अल्फा, ठीक है जी। हुण आपां इत्थे की करदे आ, आर उसने सानू दिता होया है, सो असी आर दा स्केयर करांगे, मतलब पी स्केयर प्लस थ्री क्यू स्केयर इस दा स्केयर कर दांगे। पी दी जगह ते साडे कोल पी प्लस क्यू है जी और क्यू दी जगह ते पी माइनस क्यू है जी, सो इत्थे पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू एंड देयर इज कोस अल्फा। उसने सानू एंगल हाफ करन नू कहा सी, सो अगर असी इत्थे एंगल अल्फा लै लैंदे तो सानू अल्फा बाय टू करना पएगा। सो क्यों ना असी इतने एंगल टू अल्फा लैके और एंगल अल्फा हो जाएगा बाद ईजी हो जाती है कैलकुलेशन। सो असी जो इतने अल्फा है उसनों टू अल्फा लै लें, ठीक है जी, ताकि क्वेश्चन के एंड ते जो सानू एंगल हाफ करना पेगा सो असी अल्फा यूज़ कर लाँगे, क्लीयर है जी। सो ए हो जाएगा जी पी स्केयर प्लस थ्री क्यू स्केयर इज इक्वल टू, ए हो जाएगा जी पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस टू पी क्यू प्लस पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर माइनस टू पी क्यू प्लस टू पी स्केयर माइनस टू क्यू स्केयर, ठीक है जी, कोस टू अल्फा। सो इतों तुम देख लो जी की कुछ कट हो रहा की कुछ नहीं कट हो रहा, ओवरऑल इतने की बचेगा क्यू स्केयर माइनस पी स्केयर इज इक्वल टू टू पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर कोस टू अल्फा। यह सारा कुछ कट कटा के टू पी स्केयर प्लस टू क्यू स्केयर है जी और उधर जाके माइनस पी स्केयर, सो इस तरीके सारा हो जाएगा जी, क्लीयर है जी। सो ये तुसी माइनस बार कढ़ोगे, सो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इज इक्वल टू टू सेम आ गया जी कोस टू अल्फा, एक कट हो गया, सो माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू कोस टू अल्फा। सो सानू पता है कि जो माइनस हाफ है सो टू अल्फा इज 120 डिग्री, मतलब कि एंगल 120 डिग्री ते कोस माइनस हाफ होंदा है। सो ये साढ़े को अल्फा आ गया जी, अपना जो फोर्सिस दे विच दा एंगल आ सी।
बट उन्होंने क्या है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस जेकर वो हाफ कर देता जाए एंगल, हाफ का मतलब अगर अल्फा कटा जाए तो अल्फा होगा जी 60। सो अगर एंगल्स हाफ कर देता जाए तो नवे रिजल्टेंट का वो दसो की होएगा, मैग्नीट्यूड की होएगा। क्लियर है जी? सो क्वेश्चन फिर साढ़े लिए वही रह गया सिंपल, क्वेश्चन तो साढ़े लिए फिर वही सिंपल द सिंपल है कि सानू रिजल्टेंट नहीं पता तो असं रिजल्टेंट मान लिया आर डैश का स्क्वेयर। और इंपॉर्टेंट चीज़ फिर इतने की आ गई कि साढ़े को फोर्सेस फिर आ ही नहीं, पी प्लस क्यू का स्क्वेयर, पी माइनस क्यू का स्क्वेयर, जो तुम सोल्व करांगे या हमेशा कट्टा जाएगा तो बचेगा फिर कि 2p² + 2q². सो आई राइट हेयर डायरेक्टली 2p² + 2q² + 2p² - q² हेयर इज कोस अल्फा। हूँ असं अल्फा कर देंगे क्योंकि एंगल हाफ हो गया। सो बचा की जी 2p² + 2q² + 2p² - 2q² और इतने हो गया जी cos 60। cos 60 हो गया सीधा ही, अल्फा नु 60 पुट करता सो cos 60 होंगे जी 1/2। सो की बचा 2p² + 2q² 2 × 2 असी कटता जी तो p² - q² बचा। सो आंसर हो गया जी 3p² + q² ठीक है जी। इतने स्क्वेयर से सो इतने अंडर रूट हो जाएगा। सो 3p² + q² हेयर इज ऑप्शन बी। उम्मीद है थोड़ा समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 3। मकैनिक्स के कुछ कॉन्सैप्ट से कोई ट्रिक नहीं होंगी, सो इस चीज़ को तुम भूल जाओ कि किसी ट्रिक नाले क्वेश्चन हो जाएंगे। सो बड़े आराम नाल तुहानू चीज़ां नू जिहड़ा है वो समझना पड़ेगा कि तुम क्वेश्चन नू बड़े ईजीली जिहड़ा है वो कैप्चर करना है कि क्वेश्चन सोल्व किदां करने हैं तुसीं, ये तुहाडे ते डिपेंड करता है हुण तुसीं क्वेश्चन किवें करने ने। क्लीयर है जी? सो आओ अपन नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा है वो देखते हैं। हुण इत्थे ये क्वेश्चन बड़े मज़ेदार ने जी, बड़ी जल्दी जल्दी हो जाएंगे, हालांकि ये क्वेश्चन हर एक मकैनिक्स की बुक से लिखा ही हुंदा है। सो इसनू करना कोई खास औखी गल नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन का हालांकि बहुत बच्चों आंसर ही याद हुंदा है कि इसका आंसर की होएगा। सो अगर तुसीं मकैनिक्स की बुक देखी होएगी सो तुहानू ये क्वेश्चन का आंसर ही याद होएगा कि इसका आंसर की होएगा। सो उसने पहला की कहा, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज आर। पी ते क्यू दो फोर्सेस का रिजल्टेंट आर है जी। सो असीं इत्थे की करता, रिजल्टेंट लिखता 2p q cos α। ये असी फस्ट चीज लिख ली जी। ठीक है जी, वो कहता इफ क्यू इज डबल तो आर भी डबल हो जाता है, अगर क्यू डबल है तो आर भी डबल हो जाता है। सो आर भी डबल हो जाता है जदों क्यू डबल हो जाता है, तो मतलब 2q² और इतने क्यों हो गया जी 2p 2q cos α। अल्फा कुछ भी मैंशन नहीं है, मतलब ये हो गया 4r² = p² + 4q² - 4pq cos α। इनू 2 नेम देता जी आप। क्लियर है जी? थर्ड चीज़ है वो कहता एंड इफ क्यू इज रिवर्स आर इज अगेन डबल। अगर क्यू रिवर्स हो जाए और आर फिर भी डबल हो जाता है, दैट मीन्स वो ये कह रहा है कि आर तो डबल हो गया। ठीक है जी, अगर पी रिवर्स होंगे मतलब क्यू की जगह माइनस क्यू होगा, सो ये तो फिर स्क्वेयर आ जाएगा, बट इतने जो है वो 2pq cos α हो जाएगा। ये साढ़े को आ गई जी थर्ड इक्वेशन, इनू भी मैं कट के 4r² ही लिख दिना। सो साढ़े को 3 इक्वेशनस ने 1, 2 ते 3, बस असं इन्होंने सोल्व करना है। सो उसने क्या रेशियो की आएगी p² q² और r² की। क्लीयर है जी? सो असी इस तरीके देख लें कि कुछ कट हों की कुछ ऐड करके कुछ बनता है। सो असी उस तरीके चीज़ा देख लें। सो फस्ट ऑफ ऑल असी इन्हों तुम किसी भी तरीके अगर कोई चीज़ कटनी चाहोगे, लाइक अगर तुम इसनू 2 नाल मल्टीप्लाई करोगे सो की बन जाएगा 2r² = 2p² + 2q² - 4pq। इदा भी छोड़ो, अगर तुम इन दोनों ऐड कर दोगे फस्ट और थर्ड न, सो यह बनेगा 5r² = 2p² + 2q² और आ दोनों कट्टे जाएंगे। सो फस्ट इक्वेशन थोड़ी आ गई जी। क्लीयर है? उस वे फिर तुसी कुछ इस तरीके का करो कि तुसी इन्हां दोनों नू अगर इस टू नाल मल्टीप्लाई करके इस चो माइनस करवा दो, इस नाल टू नाल मल्टीप्लाई करवा के इसनों तुसी माइनस करवा दो, सो तुहाडे कोल एक इक्वेशन आएगी। मैं फिर इत्थे कह रहा जी कि जिवें इत्थे तुसी इसनों 2 नाल मल्टीप्लाई करवा दो, अगर 3 नू भी करवा लैंदे तो की आ जाएगा 4r² = p² + 4q² + 4pq cos α। साढ़े को एक चीज़ है जी, इसनों मैं 2 नाल मल्टीप्लाई करवा दिना जी। ठीक है जी, सो ये आ जाएगा 8r² = 2p²
प्लस टू क्यू स्केयर माइनस फोर पी क्यू कोस अल्फा। एंड साडा जो पार्ट है वह बन जाता है जी, इन्हों एड करता सो 12 R² इज इक्वल टू 3 P² इज इक्वल टू 6 Q² क्लीयर है जी। एंड फिर भी एक ही बन जाएगा जी, पी स्केयर प्लस 2 Q² माइनस 3 R² इज इक्वल टू 0 4 R² सॉरी, जो असं 3 कॉमन कढ लाँगे। सो ओवरऑल साढ़े को जो इक्वेशन बनिया वो इक्वेशन की बनिया कि 2 P² प्लस 2 Q² माइनस 5 R² इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन साढ़े को बनी पी स्केयर प्लस 2 Q² माइनस 4 R² इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन साढ़े को बनिया ने, इतने असं इन्होंने सोल्व करना है। साढ़े को अपना मैथड होंगे पी स्केयर क्यू स्केयर आर स्केयर सारिया लिखो, एंड असी की करना है इन्होंने इन्हें विचों माइनस करते हैं 4 - 2 और इतने इस तरीके हो जाता है जी। सो इतने पहला होएगा जी माइनस 10 और प्लस 8 और इतने हो जाएगा जी साढ़े को आर दे जो है साढ़े को हो जाएगा जी 4 - 2 आई थिंक इफ आई एम नॉट रोंग। क्यू स्केयर के नीचे जो असी चीज़ लिखनी है वो साढ़े को जो स्पेसिफिक हो जाएगी, मैं कुछ गलती कर गया शायद, इतने इतने कितने 5 सीगा आई थिंक, और जो असं नैक्सट चीज़ इतने करा जो अस क्यू दे करा सो साढ़े को मैं इतने गलती कर गया, हेयर इज माइनस 5 + 8 ओके। सो पी स्केयर अपॉन 2 क्यू स्केयर अपॉन 3 आर स्केयर अपॉन 2, सो रेशो जो है जी वो पी स्केयर आर स्केयर दी आई 2:3:2, सो हेयर इज आंसर इज 2। उम्मीद है जी क्लीयर होया होगा तो ये सारी चीज़ कि यह जस्ट कैलकुलेशन से कुछ ना कुछ मिसटेक्स जो हो जाए कैलकुलेशन के। सो दिस इज़ द कैलकुलेशन दैट वी मेड। सो उम्मीद है तुम्हें समझ आई होएगी सारी की सारी कैलकुलेशन। नैक्सट क्वेश्चन है जी कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सिज 3P एंड 2P आर है जी। बड़े ध्यान क्वेश्चन समझा जाए जी तुम कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सिज 3P एंड 2P इज आर। 2P एंड 3P का जो रिजल्टेंट है वो आर है जी, ठीक है जी। इफ फर्स्ट फोर्स इज डबल, अगर फर्स्ट फोर्स डबल हो जाती द रिजल्टेंट इज ऑलसो डबल, दैन द एंगल बिटवीन द फोर्सिज, तुम्हें एंगल दसना है जी फोर्सिज के विच जिहड़ा है वह किन्ना बन रहा है, क्लीयर है जी। सो असी जिहड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जो साडा क्वेश्चन है कि रिजल्टेंट असी जो दसना है, सो रिजल्टेंट असी जो दसना है आर स्केयर इज इक्वल टू, तो स्टार्ट करते हैं पी का स्केयर मतलब 9P² क्यू का स्केयर इज 4P² प्लस 2P³ एंड हेयर इज कोस अल्फा। सो आर स्केयर कि आ गया जी 13P² प्लस 10 × 6 × 12 P² कोस अल्फा। सो पी स्केयर अगर असं कॉमन क्ढीए सो अंदर आ जाएगा जी 13 + cos α, क्लीयर है जी 13 + 12 cos α ये साडा आ गया जी आर स्केयर, क्लीयर है जी। अगर असं नैक्सट चीज़ हम देखते हैं कहें कि फस्ट फोर्स इज डबल द रिजल्टेंट इज ऑलसो डबल, अगर असं फस्ट फोर्स में डबल कर दें सो की होएगा फस्ट फोर्स के 3P इसको डबल कर दो यानी कि 6P और 6P का स्केयर करा तो आ जाएगा 36P² और सैकेंड वाली थोड़ी सेम है और ये हो गया जी 6P 2P cos α और रिजल्टेंट इज ऑलसो डबल, रिजल्टेंट हो जाएगा 4R². सो हेयर वट इट इज ये होगा जी 40P² 6 × 12 × 24 P² कोस अल्फा और पी स्केयर असी कॉमन कढ़िया सो हो गया जी 40 + 24 cos α और इतने हो गया जी 4R² 4 असी कॉमन कढ़ा सो आ जाएगा जी 10 + 12 cos α सॉरी कुछ मिसटेक आई थिंक होगी, हाँ 4 कढ़ना सी तो 6 cos α हो गया साढ़े को, आर स्केयर इज इक्वल टू P² 10 + 6 cos α। सो असं कुछ नहीं करना जी इसनों और इसनों डिवाइड कर देंगे, सो की बचेगा जी साढ़े को R² + R² कट हो गया, P² + P² कट हो गया, ठीक है जी। सो उम्मीद इतने जो असी कह सकते हैं सो इतने जो साढ़े को बचा वो की चीज़ बचेगी जो एक्चुअल देखने वाली है, सो साढ़े को जो क्वेश्चन आएगा वह बचेगा जी cos α इज इक्वल टू ओनली -2 जो असं डिवाइड कर देंगे एक्चुअल, क्लीयर है जी। किमें आया मैं इतने लिख कर ही दिना कि जो असं इसनों डिवाइड करते हैं तो की आएगा 13 + 12 cos α क्योंकि सारे पास 1 है जी, सो इस तरीके आ जाएगी 6 cos α। सो ये हो गया जी इसनों माइनस करा 3
ठीक है जी। और ए हो गया जी -6 कोस अल्फा, सो कोस अल्फा की वैल्यू -1/2, सो यही आ रहा है जी। सो अल्फा जो है वो 120 डिग्री आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। सो उम्मीद है थोड़ा ये समझ आया होगा सारा कि आप कितना की है। जरूर तुम इसको डिवाइड करोगे, सो किमें भी डिवाइड कर लो 1/2 और 2/1, सो इस तरीके इक्वालिटी आएगी एंड जस्ट सॉल्व करांगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। सो क्वेश्चन आ गया जी, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज एट राइट एंगल टू पी, कि पी ते क्यू दे विच दा जो रिजल्टेंट है वो पी ते राइट एंगल है। द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू डैश एक्टिंग एट द सेम एंगल, उसे एंगल ते बन रहा है बट इट एज राइट एंगल टू क्यू डैश, उन्होंने क्यू डैश ते राइट एंगल हो रहा है। सो पी की है ए एम की, ए एम है क्यू एंड क्यू डैश दे, जी एम है क्यू एंड क्यू डैश दे, एच एम है क्यू एंड क्यू डैश दे, और नन ऑफ दैम। क्लियर है जी, बड़ा ईजी जहा क्वेश्चन है। सो तो पहला काम असं करते हैं जी कि इन्हों के टैन थीटा एंगल कढ लेने हैं। क्लियर है जी, पहली चीज़ असं दिखाने इतने करके कि फोर्स है साढ़े को पी और क्यू। क्लियर है जी, सो राइट एंगल टू पी है मतलब यही उसका रिजल्टेंट भी है। क्लियर है जी, सो टैन थीटा इज इक्वल टू की होया जी क्यू साइन अल्फा, हेयर इज पी प्लस क्यू कोस अल्फा। सो हुण नैक्सट इत्थे की हुंदा है जी कि अगर वो 90 डिग्री एंगल है, तो अगर टैन थिट्टा 90 है दैट मीनस ए इनफिनिटी है। अगर एंगल इन्हां दे विच 90 डिग्री है, रिजल्टेंट दा एंगल अगर 90 है, मतलब अगर थिट्टा 90 है दैट मीनस ए इनफिनिटी हो गया। और अगर ए इनफिनिटी है तो मतलब ए वाली चीज़ इनफिनिटी है, मतलब ए वाली सारा पार्ट इनफिनिटी है। अगर ए इनफिनिटी है दैट मीनस नीचे वाला पार्ट जीरो है, मतलब पी प्लस क्यू कोस अल्फा जीरो है, और कोस अल्फा की वैल्यू जो है वो -P/Q है। ये पहली चीज़ आई जी साढ़े को। जो असं नैक्सट चीज़ करांगे, जो असी नैक्सट चीज़ करांगे, सो साढ़े को आएगा क्यू डैश प्लस पी कोस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। उदो असं की करांगे क्यू डैश में इधर लवेंगे और पी में इधर लवेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा क्यू डैश तो राइट एंगल है। सो उदो साढ़े को बनेगा जो चीज़ बनेगी, उदो असं लिखांगे कि पी साइन अल्फा अपोन क्यू डैश प्लस पी कोस अल्फा इज इक्वल टू टैन थिटा। सो टैन थिटा उदो भी उसने कहा राइट एंगल पर है, सो ए इनफिनिटी दैट मीनस ए इनफिनिटी, अगर ए इनफिनिटी दैट मीनस इट इज़ जीरो। सो मैं उही चीज़ लिखी है कि ये वाली चीज़ होगी जीरो, क्योंकि वो कह रहा है कि क्यू डैश तो, और सानू पता है कि रिजल्टेंट का जो एंगल असी जो थिटा मैजर करते हैं ना, जो एक्चुअल मैं थिटा क्यू डैश क्यों नीचे लिख लिया, वो इस करके क्योंकि जो असं टैन थिटा का फॉर्मूला किया है वो एक्चुअल जो रिजल्टेंट मेक करता है होरिजोनटल फोर्स नाल असी किया है कि आ थिटा होरिजोनटल फोर्स वाला है साढ़े कोल। साढ़े कोल इस तरीके का कुछ नहीं है कि वर्टिकल फोर्स के रिजल्टेंट सानू नहीं पता की हुंदा है। सो असी थिटा यही लेना सीख्या है, सो दैट्स वाई जिस दे नाल भी एंगल बना रहे असी उसनू जाके होरिजोनटल फिक्स कर दें। सो एक चीज़ साढ़े कोल हुण आवली आ गई, इतों कोस अल्फा की वैल्यू की आएगी जी -Q/P, बट ये दोनों कोस अल्फा ने दैट मीनस ये दोनों चीज़ा इक्वल होनगियां, -P/Q और -Q/P दोनों सेम होनगियां, माइनस वाला माइनस कट हो गया और पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू क्यू डैश आ गया। सो ए बेसिक जड़ा है ज्योमैट्रिक मीन हुंदा जी साढ़े को। क्लियर है जी, ये बेसिक जी चीज़ जी है वो साढ़े को ज्योमैट्रिक मीन हुंदी है जी। सो ऑप्शन नंबर बी इज जड़ा साडा वो आंसर हो जाता है। क्लियर है जी, सो ए सीगा जी अपना मेन इंपॉर्टेंट सारा पार्ट। सो अगर तुसी चैनल ते नवे सी या तुसी चैनल ते पुराने हो, तुसी जरूर इस चैनल नू जिहड़ा है वो सबसक्राइब करो, वीडियो नू शेयर करो ते वीडियो नू लाइक जरूर करो। नैक्सट असी नैक्सट टॉपिक लैके हाजिर होवांगे। साडे वन्यू इह टॉपिक जिहड़ा है बिल्कुल कंप्लीट हो चुक्या है, जिस रिजल्टेंट दी उसदे मैगनीट्यूड्स दी रिजल्टेंट दे एंगल्स किन्ने बन रहे ने होरिजोनटल नाल वर्टिकल नाल। सो इस तरीके दीआं सारीआं चीज़ां जो ने उह कंप्लीट हो चुकियां ने। सो इह क्वेश्चन सी साडे कोल बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीगे और बहुत ही इंपोर्टेंट ये चीज़ सी। और फस्ट लैक्चर में जरूर देखो, वो तो शेयर करो वीडियोज़ में, यही है। और नैक्सट लैक्चर बहुत जल्द लैके हाजिर होवांगे, हम जो 2 दिन का टाइम पै गया से टाइम जो नहीं पावांगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आर चैनल, तो देखते रहो सीखते रहो। कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ नवे तरीके करना चाहते जरूर कमेंट करो। सो चैनल जुड़े रहने आप सब का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, चैनल जुड़े रहो, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।